नमस्कार सर, आप कौन है? मैं आपकी सहायता करने आई हूं। सहायता? 4 दिन बाद मुझे फांसी दी जाएगी, अब मुझे सहायता की जरूरत मैं नहीं आपके है। बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। मेरी बात मान गए तो आपके बच्चे के नाम 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा करूंगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर समाज का एक सभ्य नागरिक बनाऊंगी। मुझे क्या करना होगा? हत्या, जेल से फरार होने का इंतजाम मैं खुद करूंगी। इस काम के लिए कई पेशेवर हत्यारे मिल जाएंगे, मगर मैं तुम्हारे पास क्यों आई जानते हो? ये हत्या तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए। जिसकी हत्या करनी है ये है। आप इससे पूरी तरह परिचित हैं, आज ये मिनिस्टर के पद पर हैं। इसकी हत्या करने में तुम्हें ऐतराज न हो तो एग्रीमेंट कर लेते। आज का दिन 15 अगस्त है, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हम दिवाली, संक्रांति, गणेश चतुर्थी बड़े खुशी से मनाते हैं, मगर 15 अगस्त उन सभी त्योहारों से भीषण कर धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही हमारे महान नेताओं के भयंकर संघर्ष के बाद आजादी मिली थी हमें। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग है। आज के हमारे बच्चे कल के गांधी हैं, और आज की हमारी बालिकाएं कल की इंदिरा गांधी बने, यही मेरी मनोकामना है। वाह 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 वाह, सुपर सुपर डुपर डायलॉग, तालियां तालियां तालियां। बचपन से ही मैं हिंसावाद का अनुसरण करता आ रहा हूँ। कोई बाएं गाल पर मारे तो दाएं गाल आगे कर दो, ये कहने वाले थे हमारे गांधी जी। आप अच्छी तरह समझ सके इसलिए अपने पीए के द्वारा दिखाता हूँ। चांद बाबू जरा इधर आइए। ओ मर गया मेरी माँ। यही है महात्मा गांधी जी का हिंसावाद। इंदिरा जी ने मरने से पहले आखिरी मीटिंग में कहा था कि उनके खून का हर कतरा इस देश पर कुर्बान होगा। उन्होंने अपनी जान देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं भी उसी तरह अपने देश के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पण करने से पीछे नहीं हटूंगा। सीताराम राजू को देखा क्या? देखा ही नहीं, पीछा भी किया, उस पर फायर भी किया, मगर वो बचकर भाग निकला। इसी रास्ते से भागा है सर। कम ऑन क्विक। सियाई साहब को कुछ नहीं बताया सर। आपकी आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए, बहना चाहिए आग सर। भूखे पेट सोने वाले को खाना खिलाकर, गरीबों को रुपए देकर उनकी गरीबी मिटाई जा सकती है सर, मगर आपको मंजिल पर पहुंचाने वाली ये बुलेट्स ही हैं सर। आप जिस मकसद से जेल से फरार हुए हैं उसे पूरा करने में ये बुलेट्स ही आपके काम आएंगी सर। ले लीजिए सर, बाकी सब मैं यहाँ देख लूंगा, आप निकल जाइए सर। माँ जी, टीएम जी आए हैं, एक बार देख लीजिए। आपके पति की हत्या सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। अब तो धीरज रखना ही पड़ेगा बेटी। छोड़ो,
हेलो, क्या आपकी बात सच है सर? सर ये तो अन्याय है सर, अगर ये बात वो जान गए तो तीन चार कत्ल और हो जाएंगे। सर उन राजनेताओं ने आपको धोखा दिया है सर। क्या हो गया? आपको दी एमएलए सीट कैंसिल करके सीएम ने किसी और को रिकमेंड किया है सर। उनका कहना है कि आप एक गुंडा है और एक गुंडे को असेंबली में नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी ने हाईकमांड के कान भर दिए है सर। फोन पर ये बात किसने बोला बोलो? सीएम साहब ने। भैया नमस्ते, मेरे होने वाले एमएलए भैया। एमएलए का टिकट मुझे नहीं मिला। आपको नहीं मिला? सीएम ने श्रीनिवास साहब को टिकट देने से मना कर दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही करो। ए, गाड़ी में बैठ। कौन है ये लड़की? मेरी क्लासमेट है भैया। क्लास में बैठने के बदले तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारी बाइक पर क्यों बैठी है? लगता है प्यार करती है। तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? सुनूंगा, अभी टाइम नहीं है, तुम्हारी लव स्टोरी बाद में सुनूंगा। आपको एमएलए की सीट न देने का फैसला सीएम साहब ने नहीं बल्कि आपकी राउडी शीटर की छवि होने के कारण हाईकमान ने। राउडी शीटर समाज सेवा नहीं कर सकता, ऐसा संविधान में लिखा है क्या? सच बोलो, यहाँ बैठे हुए सभी एमएलए सच में जनता के वोट से ही जीत कर यहाँ आए हैं क्या? नहीं, अधिकतर एमएलए हम जैसे गुंडों की मेहरबानी से ही जीत कर पावर में आया है। तुम कैसे असेंबली में पहुंचे? मुंह खोलकर बोल मुख्यमंत्री, पार्टी के लोगों ने आपको डायरेक्ट सीएम बनाया क्या? याद है तुमने मेरा पांव पकड़कर बोला था कि एमएलए का सीट नहीं मिला तो मैं सीएम नहीं बन पाऊंगा। अरे एक नहीं, दो पोलिंग बूथ को कैप्चर करके तुम्हें जिताया मैंने। जीतने के बाद एक सीट खाली करवा के मुझे मंत्री बनाने का वादा भी किया था तुमने, और अभी किसी दूसरे को सीट के अंदर ये जवाब दो। कसम से बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारा ही नाम पेश किया, लेकिन आखिरी पल में श्री रामकृष्ण को गांधी जी का शिष्य बता के सेंट्रल मिनिस्टर ने उसी को एमएलए सीट देने का फैसला किया। अगर वो ना होता तो सीट तुम्हें ही मिलती। ये बताओ, अगर शिवराम किशन ना रहे तो वो सीट मुझे मिलेगी क्या? 100% वो तुम्हें ही मिलेगी। उसी टपका दो रास्ता साहब। हमारे नेता शिवराम कृष्ण जिंदाबाद, हमारे नेता शिवराम कृष्ण जिंदाबाद, हमारे नेता शिवराम कृष्ण जिंदाबाद, हमारे नेता शिवराम जिंदाबाद। कौन है आप लोग? कौन है आप सब लोग? हम आपकी मदद करने आए हैं। मेरी मदद? हाँ सर, समाज में हमने एक पार्टी बनाई है जिसके आप नेता हैं। हम चाहते हैं कि आप एमएलए बनकर हमें आरक्षण दिलवाएं। पहले हम आपको मंत्री बनाने की डिमांड करेंगे, और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मौजूदा सरकार को हम गिरा देंगे। नहीं बाबू, नहीं बाबू, मुझे छोड़ दो। मुझे पदवी का मोह नहीं है, सचमुच पदवी की आशा नहीं है। मुझे टिकट नहीं चाहिए। अगर मुझ जैसे बुजुर्ग की इज्जत करते हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुझे आंख से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता। मैं बूढ़ा अपाहिज आदमी भला इस प्रपंच की राजनीति में आपकी क्या मदद करूंगा? इस प्रपंच में तो धूर्त आदमी ही चाहिए। इसीलिए मैं बलहीन हूँ, मैं पिछड़ी वर्ग से हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे मंत्री पद की सीट दीजिए। ऐसा कहने वाले आपको बहुत इंडिया में मिल जाएंगे बाबू। नहीं, मुझे राजनीति भी नहीं चाहिए और ना ही रिजर्वेशन चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, चलता हूँ। अरे इसलिए तो तुझे एमएलए की टिकट चाहिए है क्या? मैं पहले ही ना कर चुका हूँ बेटा। गांधी जी के चेले होना, मना करने पर भी एमएलए की टिकट वो तुम्हें जरूर देंगे। मेरे भाई को टिकट मिलने के लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। हेलो सर, गांधीनगर कॉलोनी में मर्डर हो गया सर। खून हुए कितनी देर हुई? हमें नहीं मालूम सर। चलो आप बताओ कितनी देर हुई? हमने नहीं देखा सर। इनको डर है कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। सर वहाँ भी कोई है?
हे मिस्टर, ये खून कैसा है? मैं चाय पी रहा था, अचानक खून के छींटे शर्ट पर पड़ गए। मतलब खूनी को तुम पहचानते हो? पहचानता हूँ। किसने खून किया? क्यों? क्यों क्या? उसे अरेस्ट करने के लिए? मैंने कईयों को अरेस्ट होते देखा है। गारंटी दो कि उसे सजा मिलेगी तो मैं उसका नाम बताऊंगा। तुम साक्षी दो, अगर उसको सजा नहीं दिलवाई तो इस पुलिस की नौकरी से मैं राजीनामा दे दूंगा। हत्यारा रॉडी शीटर शरीफ है। सीताराम राजू ने अपने शरीफ को अरेस्ट कर लिया सर। बिना गवाह के उसे कैसे अरेस्ट किया उसने? गवाह है सर। मेरे खिलाफ गवाही देगा? कौन है वो? कोई कुमार है सर। तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, क्या अपने भाई को बताया तुमने? नहीं बताया। बिना बताया तुम मेरी बहन के साथ दिन रात घूम रहे हो। अगर तुम्हारे भाई शादी से इनकार कर दे तो मेरी बहन का क्या होगा? मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। प्यार मैंने किया, मैं निभाऊंगा। अगर भैया इनकार करते हैं तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हारे प्यार के बारे में जानता हूँ, इसीलिए शादी का अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए आया हूँ। थैंक यू सर। लड़की बहुत सुंदर है, मेड फॉर ईच अदर। सच कहो तो तुम मेरी भावच बनने की पूरी तरह लायक हो। कुमार, मैं जाति भेद को मानता हूँ, लेकिन अपने लाडे भाई के प्यार के लिए एडजस्ट कर रहा हूँ। तुम गरीब हो ये भी जानता हूँ, इसलिए दहेज नहीं मांगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कहिए सर, क्या करना होगा? शरीफ को मर्डर करते हुए तुमने नहीं देखा ऐसा बयान कोर्ट में देना होगा। सॉरी सर। तुम्हारी बहन की शादी मुख्य है या कोर्ट में बयान देना मुख्य है? ये शादी नहीं हुई तो मेरी बहन जरूर तड़पेगी, लेकिन शरीफ जैसे गुंडे बिना सजा पाए आजाद घूमते रहे तो समाज में कभी भी अमनो चैन का गुलशन नहीं खिलेगा, इसलिए उसके खिलाफ गवाही देकर उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। बकवास बंद कर, शरीफ मेरा आदमी और राइट हैंड है मेरा। यानी मैं किसी अच्छे इंसान से नहीं, एक गुंडे से बात कर रहा हूँ। भैया भैया भैया, एक रौड़ी को अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलकर बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो उससे भी बड़े गुनहगार हो। ओए, मेरे बारे में नहीं पता तुम्हें? लॉक खोलने पर भी मेरे दुश्मनों की लाश नहीं मिलती, साक्षी तक नहीं मिलता। अपने छोटे भाई के प्यार के सामने मजबूर होकर तेरी बहन को अपनी भावत बनाने के लिए मैं इस लालच में नहीं आऊंगा। तुम जो चाहे कर लो, मैं कोर्ट में गवाही जरूर दूंगा। तेरी तो भैया भैया रुक जाइए भैया भैया, अगर आपने कुमार को मार डाला तो मैं खुद कोर्ट में जाकर आपके और शरीफ के खिलाफ गवाही देकर आप दोनों को फांसी की तख्त पर चढ़ाऊंगा। मैडम, डीएसपी साहब। सेल की चाबी कहाँ है? सर, उसने शिवराम कृष्ण की हत्या की है। शट अप, कम ऑन। तुम्हें पता है श्रीनिवास जी गुस्से में और कहते हैं कि जब तक तुम नहीं आएगे दारू नहीं पिएंगे। सर, इसी ने वो हत्या की है, इसका सबूत हमारे पास है। तो चार्जशीट भी तैयार है सर। चलो। चलो। हिंदुओं के पूज्य भगवत गीता से ज्यादा, मुसलमानों के कुरान शरीफ से ज्यादा, क्रिश्चियनों के बाइबल से ज्यादा, पुलिस वालों के लिए चार्जशीट पूज्य होता है। चंद पैसों की खातिर एक खूनी को बचाने के लिए चार्जशीट को वेस्ट पेपर की तरह फाड़ डाला, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। डीएसपी साहब के ऊपर केस बुक करो। सर,
आपके गुस्से के लिए हैट्स ऑफ, यू आर ग्रेट सर, रियली ग्रेट। अगर मैडम ने हमारे सामने सांप को चुम्मा दिया तो इन दोनों के बीच में जरूर समथिंग समथिंग कुछ अरे कुछ होने की बात करता है ये लाठी और टोपी का बंधन, गोली और बंदूक का संगम। शिवराम कृष्ण की हत्या करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा? देखा सर। हत्यारा कौन है? ये शरीफ। मेरे खिलाफ साजिश करता है तू, मेरे खिलाफ गवाही देता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे पकड़ कर कटघरे में खड़ा कीजिए। चल, चल। कुमार के बयान पर कोर्ट विश्वास करते हुए मुजरिम शरीफ को इंडियन पैनल कोड सेक्शन 302 के बावजूद उसे आजीवन कारावास की सजा देती है। मुजरिम की सहायता करने के जुर्म में डीएसपी रत्नम को सस्पेंड किया गया, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट की प्रशंसा करता हूँ। गुंडागर्दी से भयभीत हुए बिना धीरज के साथ गवाही देने वाले युवक कुमार का मैं अभिनंदन करता हूँ। बेरोजगार युवक कुमार को पुलिस डिपार्टमेंट में काम देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट से सिफारिश करता हूँ। All the best. Thank you, sir. मैं कौन हूँ ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, खुद के बारे में तारीफ करना मैं मुनासिब नहीं समझता। आप कौन है सर? कौन मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये नहीं जानते तुम लोग? नहीं जानते सर। हा? महात्मा गांधी को जानते महात्मा हो ना? जी को कौन नहीं जानता है, उन्होंने ही तो हमें आजादी दिलवाई थी। ये क्या, सोनिया गांधी को जानते हो ना? उनको कौन नहीं जानता, हम सब तो उनके ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। भैया उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दो। इस बार बाय इलेक्शन में सिनु साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। सिनु साहब को वोट दोगे ये तुम लोग मेरे सामने बोलोगे, लेकिन बूथ पे जाकर रूलिंग पार्टी को वोट दोगे ये मैं जानता हूँ। इसलिए वोट के दिन तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम लोगों के बदले हम लोग वोट देंगे। बीड़ा सेठ आए, आपको बुला रहे हैं। नमस्ते सर। तेरी सैलरी कितनी? 7,000 सर। इलेक्शन फंड के लिए 3,000 रुपए दे। 3,000? नमस्ते सर। ये बकरा कौन? नाम सुदर्शन है, शेयर बाजार का बुकर है। 25,000 निकाल। ये 25,000 निकाल। 25,000? मैं 10,000 देता हूँ सर। देता हूँ सर, देता हूँ, ये लीजिए। इलेक्शन फंड के नाम पे करोड़ों रुपया ट्राई बीड़ा सेट। इस पेपर का ऑफिस कहाँ है? बीड़ा सेट। क्यों लिखा? समाज में जो होता है उसे लिखना ही हमारा काम है। घटने वाले हर घटना को लिखती हो ना? यस, डेफिनेटली लिखूंगी। शाबाश, यानी अभी यही करूंगा, होगा उसे अपने पेपर में लिखना। का फोटो खींचो, ये अपने पेपर में छपेगी तो हंगामेदार खबर होगी। Thank you.
तुम चंदा वसूल क्यों करते हो? सीनू साहब के लिए फंड के लिए। कांस्टेबल सर, सीनू को 5 मिनट के अंदर स्टेशन में आने के लिए कहो। यस सर। वो बीड़ा सेठ तुम्हारा आदमी है ना? यही है बीड़ा सेठ। मेरे नाम पर करोड़ों रुपए पब्लिक से एंट रहा था, इसे आपके कांस्टेबल ने बताया मुझे। तुम्हारा नाम लेकर नहीं बल्कि तुम्हारे फंड के लिए वसूल कर रहा है। आई एम सॉरी एसए साहब, ये कौन है मैं नहीं जानता। सेनो, मैं बीड़ा सेठ हूँ। मेरा बाल मुड़ गया इसे पहचान नहीं रहे हो? मैं किसी बीड़ा को नहीं जानता। हम जैसे बड़े लोगों के नाम पर गुंडागरी करने वाले ऐसे बदमाशों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मैं खुद कोर्ट में जाऊंगा। चलता हूँ सही साहब। टीनू, मुझे धोखा दे रहा है, देख लूंगा तुझे। थैंक यू सर। आपने स्टेशन में पलटी क्यों मारी सर? वो मेरा आदमी है, सब बोला तो मेरा राजनीतिक करियर तबाह हो सकता है और उसके साथ साथ मुझे भी जेल में सड़ना पड़ता। कौन सी होटल का है? उडबी होटल का है सर। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा दिमाग नहीं है इसीलिए हेड कांस्टेबल से आगे नहीं बढ़े हो। सही कहा आपने। क्या सही कहा? क्या वेजिटेरियन खाना खिला रहे हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये कितने कठिन काम करते हैं। सुबह से उठने के बाद सारे गुंडों को मारना, उनकी पिटाई करना, सारे नॉन वेजिटेरियन काम। इसीलिए आपके लिए नॉन वेजिटेरियन खाना लेकर आई हूँ मैं। ये खाने से आपको ताकत मिलेगी। खाइए साहब, चिकन खाकर बॉडी में दम आता है। खाइए ना सर। नहीं चाहिए, प्लीज खाइए ना। साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। खाकी लिबास में छुपी तुम्हारी ये खूबसूरती इस लिबास में उभर कर आई है। पहली बार देख रहा हूँ। सचमुच में तुम आसमान से उतरी परी लग रही हो। आप भी तो सर कितने रफ एंड टफ दिखते हैं और साथ में कितने रोमांटिक हैं। आपको देख के मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है। कैसी है? एक कुंवारी लड़की को शादी से पहले अगर कोई छूता है ना तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये क्या? एक्सक्यूज मी सर, आज आपने इंटरव्यू देने के लिए कहा था। क्यों जी मैडम, आपको कोई टाइम वाइम नहीं है क्या इंटरव्यू लेने के लिए? पुलिस वालों से किसी भी समय हम मिल सकते हैं, एनी टाइम इन 24 आवर्स। सर आप खाना खा लीजिए, मैं वेट करूंगी। तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, आज हमें दूसरे केस के लिए जाना है। इसकी मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी इंटरव्यू लेने नहीं उनकी लेने आई हूं। जरा जबान संभाल के बात कर, बड़ी आ गई इंटरव्यू लेने के लिए, आ जाते हैं खा खा। वो का मीनिंग हस्बैंड से नहीं था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। What is this, sir? मैं आपसे बात कर रही हूँ और जवाब ये दे रही है। हम दोनों का जवाब एक ही होता है, 2-in-1। 2-in-1 हो या 3-in-1, मुझे क्या, प्लीज सर। सॉरी भार्गवी, 2 दिनों के लिए मैं बिजी हूँ, मंडे आ जाना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। और सुनो, तुम पुलिस वालों के साथ कुछ ज्यादा ही बिहेव करती हो। और तुम जर्नलिस्टों के साथ 3 मच बिहेव कर रही हो। ओके सर, मैं मंडे आती हूँ। इस लड़की से सावधानी से रहना सर। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो बदमाश लगती है, इंटरव्यू के नाम पे घर में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, कमर दबा दी, ऐसा बोल के अब से शादी के लिए नाटक करेगी ये लड़की। सचमुच? सच बोल रही हूँ सर, बड़ी खतरनाक लगती है ये लड़की। आइंदा से उसे घर में घुसने नहीं देना। ठीक है सर। अरे वाह, क्या बात है कुमार, क्या हुआ? नो पार्किंग से कार हटाने के लिए बोले तो घूस देता है। शांत रहो। देखिए आप लोग जाइए, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, आप लोग जाइए, शांत रहिए थोड़ा। आप शांत रहो, उधर चलो मैं बताता हूँ वो लोग स्टूडेंट है क्यों लफड़ा करते हो। कुमार, ओवर सिंसियरिटी मत दिखाया करो। सर, मैं ओवर सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम अपनी ड्यूटी करते हो ये मुझे मालूम है। नमस्ते भैया। नमस्ते। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम नए हो, जरोश मत दिखाया करो। अरे मैडम नमस्ते, सीआई की वाइफ है, नमस्ते करो। नमस्ते। डिपार्टमेंट में नया आया है क्या? हाँ मैडम, कुमार नाम है, बीकॉम में गोल्ड बैंड लिस्ट। ये पकड़ो। ए, सैंडल टूट गई है, इसे रिपेयर करके घर पहुंचा देना, चलो। सो, सीए की पत्नी फटे सैंडल की मरम्मत करने के लिए बोल रही थी। इस डिपार्टमेंट में मैं बड़े अफसरों की बेगमों की जूतियों की मरम्मत करवाने या उनके ब्लाउज या पेटीकोट का आयरन कराने नहीं भर्ती हुआ हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। यही बात उनके सामने बोलोगे? किसी के सामने भी बोलूंगा। तुम्हें अकल है कि नहीं?
जो सैंडल तुम्हें दी थी वो कहाँ है? हाँ, उसे रिपेयर करने के लिए दिया था। मैं भी यही बोल रहा था मैडम। तुम क्या बोलते हो कुमार, बोलो। मैं इस डिपार्टमेंट में आपकी जूतियों की मरम्मत करवाने या आपके कपड़ों पर स्त्री कराने नहीं आया हूँ। अरे बाप रे बाप। After all, तुम एक कांस्टेबल हो और मुझे जवाब दे रहे हो। तुम्हारे सर पर ये पुलिस टोपी शोभा नहीं देती। जाओ जाके मैडम के तलवे चाटो। एक औरत के हाथ मार खाकर आंसू टपकाने वाला कानून की हिफाजत क्या करेगा? हया शर्म अगर तुम्हें नहीं है तो जाओ मैडम का कहा मानो। अगर तुम सचमुच के पुलिस वाले हो तो खाकी वर्दी की लाज रख के अपनी ड्यूटी निभाओ। अगर तुम खाकी वर्दी की कदर करते हो, अगर तुम्हें कानून की मान मर्यादा का ख्याल है तो वापस ही थप्पड़ लगाओ जैसे उसने थप्पड़ लगाया। लगाओ। एक औरत हो ये भूलकर पराए मर्द पर हाथ उठाई उसके लिए थप्पड़ लगाओ। सही। सबके सामने मुझे थप्पड़ मरवाया, देख लूंगी। अपने पति से कहकर तुम्हारा ट्रांसफर और तुम्हारा तो डिसमिस नहीं करवाया तो मैं सर्कल इंस्पेक्टर की पत्नी नहीं हूं। आपका सैंडल। हमारे साहब को हमारे सामने धमकी देने के लिए मैं तुझे गिरफ्तार करती हूँ। क्यों रे, तेरी भी चर्बी चढ़ गई। बदमिजाज, अब मेरी लाठी बात करेगी। चुपचाप अंदर चल। ए, मुझे सेल में डाल रही है तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, तेरी भी अभी चर्बी निकलवाऊंगी। बंद कर। सर, पीआई साहब मैडम को सेल के अंदर देखेंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। ए हेड, यस सर। तो पिलाओ। लाया सर। काफी करे, किस चकले से लाए इसको? तो चाय के बदले ब्रांडी पीनी पड़ेगी। अरे अरे रे, एक बार सूरत तो दिखला दो। सर्किल अफसर, आपकी सलोनी सूरत देखना चाहते हैं, जरा घूम जाइए। उस एसआई ने मुझे सबके सामने मारा और उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे अंदर बंद कर दिया। मिस्टर सीताराम राजू, क्या है ये सब? सैंडल की मरम्मत नहीं करवाई इसलिए ड्यूटी पर तैनात कुमार को थप्पड़ मारा इसने। इसके लिए सेल के अंदर डालोगे? सेल ओपन करो। ये नहीं हो सकता है सर। अगर एक औरत हमारे साहब के साथ बदतमीजी करेगी तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। बोलिए मत, गला दबाकर मंगल। चुप, मजाक उड़ रहा है? ये क्या लिख रहे हो? एफआईआर सर, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारा, ये कंप्लेंट खुद कुमार ने दिया है सर। नहीं, ये झूठ है। उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैंने उसे मारा। पागल हो गई है मैडम, ऐसे डायरेक्ट जुर्म कबूल करेंगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी बचने वाली नहीं। अब क्या देख रहे हैं, पीआई सर के सामने जुर्म कबूल आए, एफआईआर तैयार कीजिए। जरा चुप भी रहो अरुणा देवी। भाई सीताराम राजू, सीआई की वाइफ गिरफ्तार है, ये बात अगर पब्लिक जान जाएगी तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? पर मेहरबानी करके जरा उसे छोड़ दो। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, इसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने सॉरी कहा तो कुमार वापस ले लेगा अपना कंप्लेंट। सुनो, सॉरी बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। केस फाइल हो गई तो सेंट्रल जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, ऊपर से मेरी बदनामी अलग। शरफत से सॉरी बोल दो। सॉरी। विश्वनाथ, सेल ओपन करो। मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। मैडम थम्स अप या गोल्ड स्पॉट? मेरी वाइफ को इतना रिस्पेक्ट। मैं तुम सबको। कांस्टेबल पर हाथ उठाने का हक सीए को भी नहीं है तो सीए की पत्नी को इसका हक नहीं है, ये समझा देना। बेडरूम में समझा दूंगा। क्या चाहिए? एसआई का इंटरव्यू आज उन्होंने बुलाया। एक बात समझ में नहीं आती, इंटरव्यू के बहाने तुम जैसी लड़कियां घर में कैसे गुजारती हैं? जरा तमीज से बातें करो। क्या तमीज से बात करूं? क्या करूं? हाँ, अगर तुम सिंसियर जर्नलिस्ट होती तो पुलिस स्टेशन में जाके इंटरव्यू लेती, यूं घर में नहीं आई होती किसी के। जान लो, एसआई साहब ने मुझे घर में ही आने के लिए कहा वो था। अपने बेडरूम में और बाथरूम में भी बुलाएंगे, जाओगी क्या? अरुणा जी, जरा शराफत से बातें कीजिए। मैं पुलिस वाली हूँ, बस ऐसे ही बात करना जानती हूँ। हाथ में पेपर और पेन लेके ज्यादा नाटक दिखा रही है। स्टिक लेके तुम ही ज्यादा स्टाइल दिखा रही हो, मुझे तुमसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं। सिस्टर, सिस्टर जरा घर में आ जाइए, प्लीज आ जाइए ना सिस्टर। जानती हो मैं तुम्हें घर में आने के लिए क्यों रोकती हूँ? पता नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए। हमारे एसआई साहब दिखने में हैंडसम, स्मार्ट और सच कहूँ तो काफी अच्छे आदमी भी दिखते हैं ना, पर उनकी सच्चाई जानती हो? हाँ। पक्का 420 केस है। मैं जो बोल रही हूँ सच है सिस्टर, इंटरव्यू के नाम से लड़कियों को बुला के उनकी जिंदगी के साथ खेलते हैं सिस्टर। ओह माय गॉड। इसीलिए तो जब कोई लड़की आती है तो दांत डपट कर उसे यहाँ से भगा देती हूँ सिस्टर। लेकिन तुम भी एक लड़की हो ना, तुम अपनी खुद की रक्षा कैसे करती हो?
तुम्हें कुछ नहीं करता? अफो, अब मैं किस मुंह से बताऊं सिस्टर आपको? अगर आपने पेपर में इसके बारे में लिख दिया तो मैं कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर ये बात किसी को बताई तो मुझे सस्पेंड कर देंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। भगवान, इसीलिए तो मैं तुम्हें घर में जाने से रोकती हूँ। बहुत धन्यवाद दीदी, अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी, स्टेशन में ही मिल लूंगी। चलती हूँ दीदी। जाओ सिस्टर, जाओ, संभल के जाओ। क्या हुआ, मुंह टेढ़ा करके जा रही है? इंटरव्यू के लिए मुझे घर बुलाते हैं, फिर स्टेशन आने को कहते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने, ऐसा कह के गई। कह रही थी कि आप और मैं ड्यूटी के टाइम पे रोमांस करते रहते हैं। मेरे बारे में गलत सलत लिख के मुझे ब्लैकमेल करोगी? तो अंदर दुआ दिखाता हूँ। हाय। हाय। क्या हुआ, ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी? एक्शन लूंगा समझ के घबरा गई है। एग्जैक्टली सर। लड़की हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। लड़कियों को तुम छोड़ते नहीं है, मुझे मालूम है। तुम्हारे चरित्र के बारे में मैं जानती हूँ। मेरा चरित्र? बंद करो इस ओवर ड्रामे को। थैंक यू सिस्टर, अपने बॉस के हाथों मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे सामने उसे कबूल करवाओ। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। बात करने के लिए बचा। Shut up! चिल्लाइए मत, आपके चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। इस दुराचारी के हाथों बलि होने का दुख हो रहा है क्या सिस्टर? मैंने तुमसे जबरदस्ती की? Yes! चिरंजीवी चिता से सौभाग्यवती शैलजा का विवाह का मुहूर्त अगले रविवार 9:30 है। अच्छा है। मगर ये विवाह मैं नहीं करवाऊंगा। अला ऐसा क्यों? सीनू साहब के मर्जी के खिलाफ करवाया तो मेरा विवाह शमशान में करवा देंगे। तो करवानी वरना तुम्हारा मुहूर्त बिगाड़ दूंगा। अरे आप तो पुलिस वाली छड़ी से पीटेंगे ना, लेकिन वो तो तलवार खंजर से काट देंगे। अरे मुझसे गलती हो गई महाप्रभु, लेकिन मैंने उनका विवाह करवाने से मना कर दिया। विवाह में पुरोहित मुख होता है ना। अच्छा मुहूर्त देकर उनका विवाह करवा दो। अच्छा। नमस्कार, नमस्कार। अंदर आइए। हेलो। हेलो। पुलिस वालों से फ्रेंडशिप बहुत खतरनाक होती है। क्यों, अपना अनुभव बता रही हो? पुलिस वाले कैसे अपना रंग बदलते हैं खुद देख लोगी। वेट एंड सी। यू सी। सर सर, बारात आ गई। अरे रुके रुके, आगे कहाँ जा रहे हो? शादी का मंडप यहाँ है। ने 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 ना। क्या शादी देवालय में करोगे? मैंने बंजारा होटल बुक करने कहा था। कब कहा था क्या? वेडिंग कार्ड पे भी होटल बंजारा का नाम प्रिंट किया हुआ है। अरे ये तो शादी इतने सस्ते में कर रहा है, शादी के बाद दहेज का 50 लाख देगा, इसका मुझे विश्वास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर? यानी आज मैं यहाँ आकर तुम्हारी बहन से शादी करके उसे मंगलसूत्र पहनाने आया हूँ, यही समझते हो? मैं शादी कर रहा हूँ मिनिस्टर सुभाष राय की बेटी विजयलक्ष्मी से, तुम्हारी बहन से नहीं। तुम्हारे कोर्ट में दिए हुए बयान के कारण मेरे भाई को रूलिंग पार्टी से हटना पड़ा। तुम्हारी साक्षी के कारण मेरे भाई का राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया, इसीलिए जानबूझकर मैंने इस शादी का ड्रामा किया। चीता। सब कुछ सुनने के बाद बहन जी, मेरी बहन के साथ अन्याय मत कीजिए, ऐसा गिड़गिड़ाना नहीं। मिस्टर श्रीनिवास, प्यार करने से लेकर शादी के मंडप तक लाकर अन्याय करते हो। आज भले ही तुम राजनेता हो, लेकिन जब गुंडे थे पुलिस वालों के लाज जूते तो बहुत खाए होगे। उस दर्द का एहसास क्या होता है अपने भाई को बता देना। ना खून बहता है ना हड्डी टूटती है, मगर पूरा शरीर किसी काम का नहीं रहता। कब कैसे कहां मारूंगा तुम्हारे भाई का हुलिया भी नहीं बदलेगा, बदलाए बगैर ही मैं ये शादी करवाऊंगा। ये सीताराम राजू का वादा है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से घबराने वाला मैं तुम्हारा कोई कांस्टेबल नहीं हूँ। नए कपड़े पहनकर मंडप में बैठने से शादी नहीं हो जाती, मंत्र उच्चारण होता है, पुरोहित द्वारा निकाला हुआ शुभ मुहूर्त होता है, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाकर लोगों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तीसरे महायुद्ध तक का समय है, उस समय में ये शादी नहीं करेगा। अबे ओ दूल्हे राजा, अगर तुम्हारी लाइफ में वाइफ बनकर आएगी तो कुमार की बहन ही बनकर आएगी, ना सुभाष राय की बेटी ना गुभाष राय की बेटी, समझा? दुल्हन का पिता कौन है? मैं हूँ। आपका फोन है। चलो। नमस्ते जी। नमस्कार। आइए आपसे बात करनी है।
आप दगा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। दगा? दगा नहीं तो और क्या, एक चैथीन के साथ मेरी बेटी की शादी का प्लान किया आपने। क्या चीम? सर सर, सारा प्लान चौपट हो गया सर। समझी ने जैसे कहा वैसे ही लड़की को भेजा भी, लड़की भी अंदर और अपना चीटा भी अंदर। बाहर मैं था, अंदर वो थे, सुहागरात मनाने के लिए तैयार थे। इतना ही, ना जाने कहां से आ गया और सीताराम राजू इंस्पेक्टर अंडरवियर पहने आपके भाई को यू आर अंडर अरेस्ट कह के हथकड़ी पहना के ले गया। अरे बाप रे, तुम मुझे मत मारो, अभी करता हूं। कुमार की बहन से शादी करोगे या जो तस्वीर निकाली और न्यूज़पेपर में छपवाऊं? इस तरह कई बार मैं ब्लैकमेल हो चुका हूं। क्यों कांस्टेबल कहा तो मार खिलाओगे? सर श्रीनिवास बेल लेके आ रहा है। चाय मजेदार है। ओए मेरा भाई कहाँ? अभी उसकी धुलाई शुरू ही हुई थी कि आप बेल पेपर लेके आने वाले हैं, सुनकर उसे नारायणपुर थाने में शिफ्ट कर दिया है। अब तक तो आपके भाई की धुलाई शुरू हो गई होगी। हाँ। जल्दी जाइए नहीं तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी। शैलजा से शादी करोगे? नहीं नहीं करूंगा। मेरे भाई कहाँ है? इस स्टेशन की हवा खिलाकर राजेंद्र नगर के स्टेशन की हवा खिलाने ले गए हैं। बोल शैलजा से शादी करेगा या नहीं? कहना नहीं। मेरा भाई कहाँ है? उन्होंने यहाँ की हवा बहुत खाली थी इसलिए राजेंद्र नगर ले गए वहाँ की हवा खिलाने के लिए। मेरा भाई कहाँ है? यहाँ की हवा ठंडी नहीं गर्म है इसलिए अशोक नगर के हवा खिलाने ले गए हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया। पता है लेकिन कहाँ बताओ? सीताराम राजू जी ने मेरा भाई कहाँ है? सारे स्टेशन की हवा खिलाने के बाद अब अपने स्टेशन हवा खिलाने ले गए हैं। ओए, मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं सारे स्टेशन को आग लगा दूंगा। लाख मारो मैं शादी नहीं करूंगा। ओके, शैलजा से शादी करने की जरूरत नहीं, इसे बाहर निकालो। जा, निकल बाहर। ये क्या, मुझे बाहर जाने के लिए कहकर हाथ में राइफल उठा लिया? अबे उल्लू के पट्टे, राइफल उठाने का मतलब नहीं समझा? तुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं जानता है? साहब तेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तुझे शैलजा से शादी करने की जरूरत है, बाहर निकल। नहीं नहीं बाहर नहीं जाऊंगा, शैलजा से शादी कर लूंगा। खून पूछ ले, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के कॉलर पकड़कर गाली बकने के लिए ये तेरे बाप की जागीर नहीं है मिस्टर, पुलिस स्टेशन है। एक बात समझ लो, ये बहुत सीरियस बात है। एक आंख गई तो दूसरी आंख से देख सकते हैं, एक टांग गई तो दूसरी टांग से चल सकते हैं, मगर जिंदगी चली गई तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखो ये तुम और तुम्हारी फैमिली, आहा कितनी खूबसूरत दिख रही है ना। सुनो चिटा, मैं इसे जगह हॉल में लगाता हूँ ताकि आने जाने लाके देख सके। बना दी जोड़ी तेरे रब ने, ओ तेरे रब ने बना दी जोड़ी, ओ कितनी सुंदर है ये जोड़ी, ओ तेरे रब ने बना दी जोड़ी। कहाँ जा रहा? अपनी चिटा की फैमिली को लेने जा रहा हूँ, आज सुहारात मनाएगा ना वो। अरे ये क्या, मेरा एरियल टूट गया,
क्यों मारा मुझे? नहीं तो उसके साथ परिवार बसाना है। उसके गले में मंगलसूत्र पहना है तुम्हारे भाई ने। वो मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा है। और वो यहाँ आकर कैसे घर बसाती है, मैं भी देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आ जाओ बैठो। वाह। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है बताओ। मेरी पसंद की साड़ी? यस। तुम जो साड़ी पहन के अच्छे लोगों की बताओ वही ले ले। इतने दिनों के बाद मुझ पे प्यार आ ही गया। सर ये साड़ी मुझे पसंद है। गुड मॉर्निंग सर। क्या खास बात है सर, साड़ी पसंद कर रहे हैं? भार्गवी तुम्हें साड़ियां पसंद है या पंजाबी ड्रेस? आई लाइक साड़ीज। गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें अच्छी साड़ी सेलेक्ट करो। पास ही में अरुणा बैठी हुई है, फिर भी मुझे पसंद करने के लिए कह रहे हैं। डेफिनेटली मेरे लिए ही होगी। थैंक यू सर। सॉरी जरा दरकोगी। आई लाइक दिस साड़ी सर। दोनों साड़ियां सिलेक्ट कर रहे, क्या चक्कर है सर? दोनों को लाइन मार रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक्स। ये साड़ियां उस लड़की के लिए बहुत जचेंगी। वो लड़की कौन है सर? है हमारे कुमार की बहन है यार, वो अपने ससुराल जा रही है, उसके लिए खरीद रहा हूँ। माँ होती तो ये सब खुद अपनी हाथों से करती। छोड़ उसे। चले जा, चले सस्पेंशन पूरा हो गया और आज ही ड्यूटी भी ज्वाइन भी कर लिया। रास्कल! शरीफ फिलहाल मेरी कस्टडी में है। इसने कुमार के बहन का खून किया है। तो क्या कानून को तुम ही हाथ में ले सकते हो? डिपार्टमेंट के रिवॉल्वर के बदौलत तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। अगर तुम्हें यकीन है कि शरीफ हत्यारा है तो FIR दर्ज कराओ। अगर इसका हत्यारा होने के सबूत तुम्हारे पास है तो अदालत में पेश करो। तुमने ही कहा था हिंदुओं के लिए भगवत गीता से ज्यादा, मुसलमान और क्रिश्चियन के लिए कुरान और बाइबल से ज्यादा, पुलिस वालों के लिए चार्जशीट पूजी होता है, है? जाओ जाकर पवित्र चार्जशीट बनाकर शरीफ को कोर्ट के खटगड़े में खड़ा करो। ब्याह कर ससुराल जाने वाली मेरी बहन को इस शरीफ ने शमशान पहुंचा दिया सर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का बलात्कार कर उसे मार डाला। सर कुमार, तुम्हारी बहन की हत्या शरीफ ने की मैं मानता हूं, लेकिन कोर्ट को गवाह चाहिए। लेकिन कोर्ट को गवाह के साथ पक्के सबूत भी चाहिए। पक्के सबूतों में पुलिस की गवाही को कोर्ट नहीं मानती। पुलिस के अलावा पक्के सबूत चाहिए। मिस्टर कुमार, इस हत्या को आपके अलावा किसी और ने देखा क्या? मैंने देखा सर। ए कन्फेशन मेड बाई ए पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसेबल। CRP सेक्शन 25 के अनुसार पुलिस की गवाही कोर्ट नहीं मानती। सेक्शन 25 किसके लिए रखा है सर? ऐसे गुंडे बदमाशों को बचाने के लिए। सर आप जो भी कानून बनाएंगे उसी कानून से हम पुलिस वाले बेवकूफ बन जाते हैं।
मेरे चार्जशीट को वेस्ट पेपर की तरह भले फाड़ दीजिए, लेकिन एक अपराधी को सजा जरूर दीजिए। शिवराम कृष्ण की हत्या की गवाही इसी कटघरे में खड़ा होकर दिया था। उस केस के न्यायमूर्ति आप ही थे सर। मेरी गवाही को सच मानकर आपने ही उसे सजा दी थी। मेरी तारीफ करके ये यूनिफॉर्म पहनने की सिफारिश भी आप ही ने किया था सर। आज भी मैं उसी ईमानदारी के साथ गवाही दे रहा हूँ और आप कहते हैं मेरी गवाही नहीं चलेगी। उस दिन तुम्हारे शरीर पर ये यूनिफॉर्म नहीं थी, मगर अब है। फैसला करने के लिए साक्षी की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक कह रहे हो, लेकिन सेक्शन में अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ जजमेंट देने का अधिकार है, सेक्शन बदलने का नहीं। एसआई सीताराम राजू की फाइल की गई चार्जशीट में शरीफ को हत्यारा साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए शरीफ पर कोई मुकदमा नहीं बनता, लिहाजा कोर्ट शरीफ को बरी करती है। ओए सीताराम राजू, फिर पैरोल पे बाहर आऊंगा और इस बार मैं तेरे लिए आऊंगा। तुमको भी कुमार की बहन की तरह ही मारूंगा और बगैर किसी केस के बाहर आ जाऊंगा। कानून की यह किताबें हमारे बचाव के लिए लिखी गई है, ताकि हर बार कत्ल करने के बाद हम आसानी से बाहर आ सके और अपनी जिंदगी खुशी से बाहर बसर कर सके। तुम एक बात जान लो, तुम सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, ये एडवोकेट ही नहीं, मैं चाहूं तो जज को भी उड़ा सकता हूं और बिना सजा पाए बाहर आ सकता हूं। चैलेंज। तुम जितने सिंसियर हो एफआईआर लिखने में और मुझे अरेस्ट करने में, महान आदमी है वो जो मुझे बाहर लेकर आ जाते हैं उससे पहले, उसके बाद तुम, तुम्हारे गवाह। असल में कोर्ट बनाए हमारे लिए मर्डर करने के बाद, इसीलिए तो हमें फिर से पैरोल में बाहर भेज के मर्डर करने का मौका दे देते हो तुम लोग। इन जैसे चार वकीलों को मैं खरीद लेता हूं तो मर्डर जैसे सेक्शन को ये लोग मुझे थोक के हिसाब में भेजते हैं। ए, तुम्हारी न्याय देवी को भी मैं खरीद सकता हूं। काले कोट का काम एक हाकी ने पूरा किया सर, ये पाप नहीं अपराध भी नहीं है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं सर। मैंने बदला लेने की भावना से या फ्रस्ट्रेशन में यह मर्डर नहीं किया। न्याय देवी को खरीदने की बात उस बदमाश ने की थी, उसे अगर यूं ही छोड़ देता तो न्याय देवी की समाधि बना देता वो सर, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे अरेस्ट कीजिए सर। कोर्ट कैंपस में शरीफ की हत्या की है इस कुमार ने, यह हत्या रहा है ये साबित करने के लिए सीताराम राजू ने कई गवाहों को एकत्र किया है। गवाहों को इजलास में बुलाइए। अरे ये दोनों, आपने कुमार के एंटी में गवाही दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? होगा क्या, कुमार इन तीनों को शरीफ के पास पहुंचा देगा। अपना एड्रेस दे दो भाई, मरने के बाद बॉडी घर पहुंचवा दूंगा। नमस्कार सर। कुमार ने शरीफ को कैसे मारा ये बात जैसा आपको हमें नहीं पता। तुमने तो कहा था अपनी आंखों से देखा है। हमने कुछ नहीं देखा, चलते हैं। अगर उन तीनों ने गवाही नहीं दी तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे गवाही हैं। अदालत में पेश कीजिए। जो देखा बोलिए। हाँ, बड़ी बेरहमी से कुमार ने शरीफ को गोद गोद कर मारा, मैंने देखा। कुमार ने शरीफ की हत्या की, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। कोर्ट के बाहर कुमार ने मेरे हाथों से राइफल छीनकर शरीफ की हत्या की सर। कुमार ने शरीफ को मेरे सामने मारा। शरीफ को कुमार ने मेरे सामने मारा सर। कुमार ने शरीफ को मेरे सामने मारा सर। कुमार ने शरीफ को मेरे सामने मारा सर। खून करते हुए मैं देखा सर। कुमार ने शरीफ को मेरे सामने मारा सर। किस सोच में पड़ गए हैं सर? कुमार को सजा देने के लिए पुलिस की गवाही नहीं मानी जाएगी, यही बात है ना? गवाह न मिलने के कारण कुमार की बहन की हत्या के केस को आपने रद्द कर दिया। पब्लिक में हुई हत्या की केस के लिए कोई गवाही नहीं देगा, पुलिस वालों की गवाही आप मानते नहीं, फिर क्यों सर कातिल को पकड़कर कोर्ट में हाजिर करना? पुलिस की गवाही क्यों नहीं मानी जाती सर? पुलिस बेवकूफ है,
झूठी है, चोर है क्या? मंत्रियों को बचाने के लिए पुलिस चाहिए, वीआईपी को बचाने के लिए पुलिस चाहिए, उनकी खातिर जान कुर्बान करने के लिए पुलिस चाहिए, सेवा के लिए पुलिस चाहिए, त्याग करने के लिए पुलिस चाहिए, मरने के लिए पुलिस चाहिए, हर काम करने के लिए पुलिस चाहिए, लेकिन गवाही के लिए पुलिस नहीं चाहिए। ये गुंडा बदमाश पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस को मारे तो मेरी गवाही नहीं चलेगी। गवाही के लिए कोई आगे आइए, इसके लिए हमें भीख मांगनी होगी। आंखों के सामने बीवी बच्चों को मार डाले तो भी हमारी गवाही कोर्ट में नहीं मानती, इसलिए उन्हें अरेस्ट करके भी क्या फायदा, यही सोच के उन्हें छोड़ दे या एनकाउंटर करके उड़ा दे, बताइए क्या करें? देश की हालत को देखते हुए कई बार तो हुकूमतें बदलती गई, इंसाफ के तरीके को भी बदलिए सर। उसे लिखने वाले महाज्ञानी थे, कोई गुंडे बदमाश नहीं थे। इंसाफ को अगर कानून की जरूरत है तो हम पुलिस वालों को आंखें चाहिए सर। सर हम पर भरोसा करके हमें बंदूक और लाठी दी गई है, टाडा नासा ऐसे कई सारे अधिकार हमें दिए हैं। अब एक बेगुनाह को गवाही देने का अधिकार हम पुलिस वालों को दीजिए सर, नहीं तो पुलिस वालों की हालत नपुंसक जैसी हो जाएगी सर। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कुमार निर्दोष है। भैया रुकिए, तो इन ऊटपटांग बातों को छोड़कर क्या करना है इसके बारे में सोचो। कल तक तो हम सिर्फ रउडी थे, लेकिन आज पुलिस भी हमारे रास्ते में आ गई है। उस कुमार को देखो, एक शरीफ का मर्डर करके अपने आप को बड़ा रउडी कहलाता है। लगता है अब तुम्हें भी मार कर वो बड़ा डॉन बन जाएगा। क्यों मारे, मुझे क्यों मारे? इसलिए मारा, वो मुझे मारेगा। मौत जब पास आती है तो कान भी सुनना बंद कर देते हैं, जानते हो। मैं कान का कच्चा नहीं हूँ, मतलब की बात कर तुम। आप बंद करके बैठ जाइए बस। वो कुर्सी, वो मंत्री की कुर्सी। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इलेक्शन में जीत कर किसी न किसी महकमे के मंत्री बन जाओ। तब पुलिस क्या, रउडी क्या और राजनेता क्या, इवन प्रजा भी तुम्हारे पांव के सामने माथा टेक के बैठेगी। जय भवा, दीर्घ विजय भवा। ये समाज पुलिस के बदले गुंडों का सम्मान करती है। कुमार निर्दोष है। ये समाज पुलिस के बदले गुंडों का सम्मान करती है। कुमार निर्दोष है। ये समाज पुलिस के बदले गुंडों का सम्मान करती है। कुमार निर्दोष है। सर ये कुमार का राजीनामा। मुझे कोर्ट ने भले निर्दोष समझकर बरी कर दिया हो, मगर सच में मैं एक हत्यारा हूं सर। ये बात अपने सीने में दबाए हुए पुलिस की नौकरी मैं नहीं कर सकता सर। गली के एक गुंडे को जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान हम पुलिस वालों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ सर। कुमार गुंडागिरी पे उतर गया। साहब ने आपको बुलाया है। आऊंगा, बोल दो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं उससे बात करूंगा। नमस्ते सर। गोल्ड मेडल में डिग्री हासिल करके पुलिस में काम करते हुए गुंडागर्दी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, मुझे गर्व है। मैंने अपना राजीनामा पहले ही भेज दिया है। ये रहा आपके डिपार्टमेंट का दिया हुआ यूनिफॉर्म, डंडा, टोपी, कोट। आप और मैं, ये आपका सलाम। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे डिपार्टमेंट का जनता के सामने मान सम्मान खो गया है। राजनेता पार्टी बदलते रहते हैं और सरकार गिराते रहते हैं, पर जनता उन्हें हर बार वोट देती रहती है। आफ्टरऑल मैं एक कांस्टेबल हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रोडी डिपार्टमेंट में बदल गया तो बुलाकर कोस रहे हैं। क्यों करूं मैं पुलिस की नौकरी? पुलिस वाले से हर कोई नफरत करता है, ना कि कोई इसकी इज्जत करता है। कॉलेज स्टूडेंट्स, लेबर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठेले वाले, यहाँ तक कि होटलों में कब्ज धोने वाले भी पुलिस वालों को शत्रु समझते हैं सर। देश की सेवा के लिए पुलिस की नौकरी करना चाहूँ तो भी कोई कदर नहीं करता। यहाँ तक कि अपने ही विभाग वाले परेशान करते हैं। एसआई की पत्नी के कपड़े नहीं धोए तो इंक्रीमेंट कट, टीआई के घर की बाथरूम साफ नहीं किए तो ट्रांसफर, बड़े अफसरों के ब्रोकरों का काम नहीं किया तो सस्पेंशन। यही है हम कॉन्स्टेबलों की जिंदगी।
जिन रॉडीज को हम लोग अरेस्ट करके अंदर डालते हैं, वही बाद में पॉलिटिशियन बनकर हमसे सल्यूट मरवाते हैं और हमें बॉडीगार्ड समझते हैं। ये टोपी, ये लाठी, ये यूनिफॉर्म पहनकर हम सड़क पर चलते हैं तो लोग हमें नफरत से देखते हैं और खून चूसने वाला खटमल कहते हैं। वही रॉडी बनकर, बाल दाढ़ी बढ़ाकर, हाथ में कड़ा पहने रोड पर मुंह छेदते हुए चलते हैं तो लोग हमें राजा समझकर झुक झुक के सलाम करते हैं। सर, इस देश में महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी का, अंबेडकर का, यहाँ तक कि गुंडों का भी स्मारक है, लेकिन इस देश के किसी कोने में किसी पुलिस वाले का स्मारक नहीं है। डिपार्टमेंट के कई पुलिस वालों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। कई सिंसियर पुलिस ऑफिसर आतंकवादी हमले में कुर्बान हो गए। इस देश में न जाने कितने कांस्टेबल्स हैं, SI, CI, DSP, SP, IG, इनमें जिंदा रहे या मुर्दा हुए किसी भी एक पुलिस ऑफिसर का स्मारक नहीं है सर। क्या इनमें से कोई एक भी ऑफिसर स्मारक बनाने लायक नहीं थे? इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़कर, इस यूनिफॉर्म का त्याग कर एक गुंडा बन गया। सर, साल भर में मैं अपनी मूर्ति गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़ा करूंगा, जिसका उद्घाटन आप करेंगे। गुड बाय सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, many happy returns of the day. Thank you. Many happy returns of the day. Thanks. Many happy returns of the day. Many happy returns of the day, sir. Thank you. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Thanks. Wish you happy birthday. Thank you. क्यों? मैं इन्हें केक नहीं खिला सकती क्या? मैं रोकने वाली कौन हो सकती हूँ भला? पूरे शौक से खाओ, लेकिन कहीं खाते खाते इनकी ड्रेस खराब हो गई तो? और पहले तो साथ ही कॉन्स्टेबल्स वगैरह खाएंगे ना, उसके बाद ही जर्नलिस्ट, तो क्यों में लग जाइए, आप भी लग जाइए प्लीज। ये गारंटी ने जरूर खिलाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ न कुछ करके ये केक ही खत्म कर दूंगी। पहले इन्हें खिला दीजिए, फिर ले लीजिए। जी मैडम, बहुत अच्छा। आइए। थैंक यू मैडम। पड़ेगी। पहले तो उसने चुम्मा दे दिया उन्हें, अब ऐसे ही अगर मैं छोड़ती रही ना, पता नहीं ये क्या करेगी। बड़ी आ जाती मुंह उठाकर। आज तो मैं जाऊंगी और ये सही साहब से सीधा पूछूंगी कि आप मुझे लव करते हैं कि नहीं, मुझसे शादी करेंगे कि नहीं। फेस टू फेस बात करूंगी उनसे। सबके सामने आपको चूमकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, इतना तो आप समझते हैं ना, इसलिए ये लव लेटर मैं आपके हाथों में ही दूंगी। हेलो। हेलो, कहाँ जा रही हो? अपनी एसआई साहब के घर जा रही हूँ। बड़ी बन ठन कर बिजली गिराने जा रही है, पक्की छप्पन छुरी है ये, कहीं मेरा लव मैटर पता तो नहीं चल गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी एसआई के घर ही जा रही हूँ। ये भी एसआई साहब के घर जा रही है, मुझे तो पहले ही पता था इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, पहले मैं ही चली जाती हूँ। मैं भी एसआई साहब के घर जा रही हूँ, ये बताया तो सिग्नल को भी नहीं देखा और चली गई। कहीं ये मेरे और एसआई साहब के बीच में टांगना अड़ा दे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे मैम साहब, रेड लाइट है फिर भी आप जा रही हैं?
अगर रेड लाइट है तो वो क्यों गई? अरे वो तो पुलिस ऑफिसर है। वो पुलिस ऑफिसर हो या जो भी हो, रूल सभी के लिए एक है। मैं जर्नलिस्ट भार्गवी हूँ, करप्ट ट्रैफिक पुलिस हो, ये मैं पेपर में छाप दूंगी। बी केयरफुल। मैं जोकर की तरह लग रहा हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? नहीं। अगर नहीं तो सबों के सामने आके मुझे किस क्यों किया? क्यों किया बताओ, क्यों किया? इसीलिए। डियर राजू, उस दिन आपने मेरी आबरू की हिफाजत की। मुझे प्रॉम्प्टिंग नहीं चाहिए, हिंदी लिखना पढ़ना अच्छी तरह मालूम है। उस दिन अगर मेरी हिफाजत नहीं की होते तो अच्छा था। उस दिन से मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है, सच में बहुत प्यार हो गया। मैं अपने मन की गहराई से प्यार करती हूँ। उस दिन से लेकर ना नींद है, ना चैन है, ना करार है मुझे। आपसे शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने। आपको देखे बगैर रह नहीं सकती, आपके बगैर मैं जी नहीं सकती। आप ना कहेंगे तो मर जाऊंगी। क्या कहा, मुझसे प्यार करने के बाद ना चैन, ना नींद, ना करार है ना? मेरे बगैर जी नहीं सकती, मैं ना कहूं तो मर जाओगी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे बगैर मुझे नींद चैन सब कुछ है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे बगैर जी नहीं सकती, कहा था ना? मैंने ना कहा ना? अभी तक मरी नहीं? मर जाओ। कैसे मरूं यही सोच रही हूं ना, या मौत से भी डर लग रहा है? मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। सब कुछ तुमने देख लिया होगा, तुम सब कुछ समझ चुकी हो। मैं इससे शादी करूं कि नहीं करूं? मैं नहीं कहूंगी तो नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगा। She's very cute. अच्छी लड़की है सर, शादी कर लीजिए। अच्छी लड़की नहीं है, घर में आके मुझे ब्लैकमेल करती है, कहा था हम दोनों के बीच कुछ है ऐसा पेपर में लिखेगी बोल के धमकी दे रही थी। हम दोनों के बीच क्या संबंध है सर, एक बॉस और सबॉर्डिनेट का ही ना। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था आपके साथ। You both are made for each other. जल्दी से शादी कर लीजिए। बता देती हूँ लड़की होगी आपको। सवाल ही नहीं पैदा होता, जो पैदा होगा वो मेरा जूनियर होगा। जूनियर वूनियर की बात मत कीजिए, ना जूनियर होगा ना सीनियर होगा, लड़की ही पैदा होगी ये जान लीजिए। 200% लड़का ही होगा। लड़की
लड़की कहा ना? लड़का होगा ना? लड़की होगी। लड़का होगा नहीं, ना? लड़की होगी। नो वे। हाँ, बोलो ना। लड़की है ना? नहीं, लड़का। सर, you're really great, sir. I'm really sorry, ओए माँ। ये सब क्या है? हमें लड़का पैदा होगा, इस खुशी में उसने ऐसे कुछ कर दिया। बात यही तक है ना? कसम से कह रहा हूँ, चलो ना। ओ श्रीनिवास यादव जी, श्रीनिवास यादव जी, हमारे श्रीनिवास यादव जी, हमारे श्रीनिवास यादव जी, हमारे श्रीनिवास यादव जी। नमस्कार श्रीनिवास यादव जी, बैठिए। नमस्ते श्रीनिवास यादव जी, नहीं नमस्ते एमएलए श्री श्रीनिवास यादव जी। ऐसा बोलो भैया, आप अपनी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी तो जरा फाइल कर दीजिए उनके सामने। हाँ, एक भी अपनी नॉमिनेशन फाइल करने नहीं आया हमारे खिलाफ। ये कह रहे हैं कौन है? रोलिंग पार्टी का कैंडिडेट मैं हूँ। ओह सॉरी, सर पर बाल नहीं था इसलिए पहचाना नहीं। हाँ, खद्दर लिबास में पहचानना मुश्किल है। मेरा नाम है वीरा से। मुझे हरा कर तुम में जितने का दम है क्या? तुम्हारे सारे बोर्ड में खुद डलवा कर तुम्हारा डिपॉजिट जब्त करवाऊंगा। हटो सामने से, क्या भीड़ लगा रखी यहाँ पर, चलो। अब आप असेंबली में तो क्या, म्युनिसिपैलिटी में भी नहीं बैठ सकते। हाँ, उस दिन जब उसका सिर मुंड के ऐसे सीताराम राजू उसे सेल में बंद कर लेते, तब आप मान लेते वो अपना आदमी है, तो आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। वो असल में तुमसे भी बड़ा गुंडा है, बूथ के बूथ अपने कब्जे में लेकर वो बेशक एमएलए बन ही जाएगा। वो ये इलेक्शन लड़ी नहीं पाएगा। सुन छोटे। क्या भैया? बीड़ा सेठ को उड़ाने का हुक्म दे दो। भगवान की कसम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मरने वाले मेरे आदमी नहीं थे, वो वैन भी मेरा नहीं था और ना ही मैंने बम रखवाया। वो मुझसे जीत नहीं सकता, इसलिए मुझे बदनाम कर रहा ताकि मैं इस इलेक्शन से दूर रहूं और वो जीत जाए, यही चाल इस बीड़ा सेठ का। आप सच कह रहे हैं? इसका क्या सबूत? मेरे पास सबूत है। हाँ, तो दिखाकर साबित करना चाहिए। पब्लिक को धोखा देने के लिए ये ब्लास्ट करवाया। उस वैन में मरने वाले सब उसके आदमी थे। इलेक्शन में वोट पाने के लिए अपने आदमी को मरवा कर इल्जाम मेरे सर पर थोप रहा है। ऊपर से पब्लिक का हमदर्दी हासिल करना चाहता है वो श्रीनिवास। ऐसा साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? बहुत सारे हैं। तो दिखाइए। मैं एक राजनेता हूँ, अफसर आने पर मैं सब साबित करूंगा। बीड़ा सेठ एक हत्यारा है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। श्रीनिवास यादव कातिल है, इसका सबूत है मेरे पास। गांधी जी जब ऐसा करते थे जैसा दिखते थे, तुम भी वैसे ही बिल्कुल दिख रहे हो भैया। वो गांधी जी जैसे हमें छोड़ के चले गए थे, इस सत्याग्रह की लड़ाई में अगर आप भी हमें छोड़ के चले गए तो आपके सहारे में रहने हम कैसे जिएंगे, ये देश कैसे जिएगा? एक श्रीनिवास यादव मरा तो लाखों श्रीनिवास पैदा होना चाहिए। अगर बीड़ा सेठ खुद को गॉड से समझता है तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हैं, तो सन ऑफ द नेशन मुझे होना चाहिए। सन ऑफ द नेशन श्रीनिवास यादव जिंदाबाद। परमेश्वर का प्रेम संदेश लेकर स्वर्ग से उतर कर आए देवदूत लग रहे हैं आप। सच कहूं तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि सामने साक्षात नेहरू जी विराजे हैं। नहीं, नेहरू जी मेरे जीवन के आदर्श हैं, मैं उनके समान महान नहीं हूं बहन। भ्रष्ट नेताओं को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारी श्रीनिवास को फांसी दिया जाए तो इंदिरा गांधी जी की पिता नेहरू जी की आत्मा को शांति मिलेगी, तब इस शांति संदेश वाहक को शांति मिलेगी। शांति के दूत बीड़ा से जिंदाबाद। शांति के दूत बीड़ा से जिंदाबाद। शांति के दूत बीड़ा से जिंदाबाद। बीड़ा से जिंदाबाद। बीड़ा से जिंदाबाद। तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। मुझे? मैंने क्या किया बाबू? तुमने क्या किया है श्रीनिवास यादव ने प्रेस मीट में बता दिया।
उसी कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर लिख दिया मैंने। चल बहुत चरखा काट लिया। वो अरेस्ट करने का कारण तो बता सकते हो ना? पीड़ा सेठ ने प्रेस मीट में तेरे गुनाहों का भांडा फोड़ दिया है और उसी कंप्लेंट पर मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूँ। चल मुर्दाबाद। क्यों बे, मार्केट के खादी भंडार से खरीद कर खादी लिबास पहन लेने से कोई भी देश का नेता नहीं बन जाता। तू नेता बन गया है क्या? चरखा फिराने से महात्मा गांधी बन जाएगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा कमीने। सफेद शेरवानी पर लाल गुलाब लगाने से चाचा नेहरू समझ बैठा है। लॉक द सेल। आपको भी सेल के अंदर बैठा दिया, ये क्या अन्याय हो रहा है? काले कोट वाले सारे कवे यहाँ क्यों पहुंच गए? मैं तो श्रीनिवासन साहब का बेल लेकर आया हूँ। ये लीजिए। उसके अंदर रहने से तेरा दाना पानी बंद है क्या? उसे बाहर आना चाहिए, दादागिरी और मर्डर करना चाहिए। तुम लोग बेल पेशी के चलते कमाना है, नहीं तो सबका परिवार भूखा मर जाएगा। दिस टू मच, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत है उसे छुड़ाने की? तुम सब उसके दलाल हो। सेल खोल दो। चलो चलते हैं। नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे? हाँ नहीं। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जहाँ तुम्हारी सेवा होगी। सही समय पर पहुंच गए, निकल चलो। नहीं तो इस बीड़ा सेठ की तरह तुम्हें भी टकला कर तुम्हारे हुलिया बदल देंगे और फिर पछताते फिरोगे। मेरे भाई से बोल के बीड़ा सेठ का बेल कराओ, तभी मैं बाहर आऊंगा। तुम्हारा क्रिमिनल माइंड मैं जानता हूँ साहब। तुम भले एक दूसरे से झगड़ा कर लो, एक दूसरे को मार लो, किसी का सर उड़ा दो, किसी का सर मुंडा दो, लेकिन तुम दोनों भाई भाई हो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए बीड़ा सेठ की भी मैं बेल लाया हूँ। वकील साहब इनका भी बेल दे दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। हाँ मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल परसों तुम कोई और ड्यूटी मत करना, स्टेशन पे ही रहना। किस लिए सर? तुम्हारे पुलिस स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है नक्सलाइटों ने, इसीलिए इलेक्शन ड्यूटी को कैंसिल करके तुम्हारी ड्यूटी मैंने स्टेशन पे लगाया। सर श्रीनिवास रेगिंग करने वाला है, इन्फॉर्मेशन मिला है। पुलिंग बूथ के पास अगर मैं नहीं रहूं तो तुम उसके फिकर छोड़ो। तुमसे भी कई सिंसियर पुलिस अफसर है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। करेक्ट सर, आप जैसे सिंसियर अफसर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हैं। सिंसियर फेलोज बहुत सारे लोग हैं, बट इलेक्शन ड्यूटी में आने वाले आपके चमचे मिस्टर सीताराम राजू। यस सर। रिगिंग करने के लिए आने वाला श्रीनिवास यादव पोलिंग बूथ के पास मुझे देखेगा तो घबरा जाएगा, ये आपको भी मालूम है। जिन नक्सलाइट के बारे में मुझे धमकी दे रहे हैं उन्हें मैं भी जानता हूँ। सर चाहे आप जितने भी ऑर्डर करें लेकिन पोलिंग डिसऑर्डर नहीं होगी। लाइन से चलो। ए जाओ वोट दो, जाना। मोहम्मद अजहरुद्दीन, हमारे क्रिकेट प्लेयर अजहरुद्दीन हो तुम? अरे कोई शौक है क्या? अरे बैट हाथ में दीजिए, सेंचुरी बनाकर दिखाऊंगा मैं, लाइए। कहिए क्या कहते हैं? हम दोनों में बात बन गई है, आप दे दीजिए। श्रीदेवी, आप फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी हैं? मेकअप लगाने से अलग दिखती हूँ, बिना मेकअप के ऐसे दिखती हूँ। वोट करने दीजिए ना। ये कैसा मतदान है, कैसा चुनाव है। यू स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट, स्टॉप इट। मिस्टर राजू, ये सब वोटर से क्यों मारे इन्हें? वोटर्स नहीं है, रोडी शीटर्स हैं ये। माने तुम्हें स्टेशन में रहने के लिए, यहाँ क्यों आए तुम? कुछ लालची पुलिस वाले पैसों की खातिर गुंडों की तरफदारी कर रहे हैं। उन गुंडों की देखरेख के लिए इलेक्शन ऑफिसर ने मुझे तैनात किया है। ऑर्डर्स है क्या? ये लीजिए ऑर्डर। इट्स ऑल राइट। गुल्लू के पट्टे, सुवर के बच्चे, एक पुलिस और गुंडे दोनों भी चोर है। ए, ए, क्यों मार रहे हैं?
इसीलिए मारा। ये ले, ये भी ले। धमाका बढ़िया करती है। सीताराम राजू ने अपने आदमी उसे मार डाला है। चलो चलिए आओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। कुमार, सीआई डीएसपी शिनू और बीड़ा सेठ ने मिलकर अपने सीताराम राजू सर को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया है। काफी जख्मी होने के कारण सर को अस्पताल में भर्ती किया है। मिस्टर कुमार, शहर में दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए तुम जैसे गुंडे को गुंडा एक्ट में गिरफ्तार कर रहा हूं मैं। तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि तुम पे दो हत्या का आरोप है। गुड मॉर्निंग सीताराम राजू। अरे वो यहाँ के डॉक्टर है ना कि खूनी? एक बार मेरी हथकड़ी खोल कर तो देखो, वो डॉक्टर है या एक्टर बता दूंगा। रिलैक्स सीताराम राजू, रिलैक्स। यू आर 100% मिस्टेकन। पिछले 10 सालों से मैं इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। प्राण लेना नहीं, प्राण बचाना जानता हूँ। धोखे से मुझे मजबूर करके इस केस में फंसाया गया है और इस कटहरे में मुझे खूनी के रूप में खड़ा किया गया है। गुंडे बदमाश हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन होकर मेरी ईमानदारी को बदनाम करने के लिए 2 गुंडों का खून करके मुझ पर खून का इल्जाम लगाया है। खूनी कोई और नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर जीवरत्नम है। स्टेशन में उसी ने खून किया, डॉक्टर के भेष में रिपोर्ट भी उसी ने दिया। डॉक्टर जीवरत्नम को कोर्ट में हाजिर किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जीवरत्नम नाम से कोई व्यक्ति नहीं है सर। ये पुलिस वाला नहीं है सर, खूनी ये है सर। हत्यारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर, यही कहा था ना? हाँ सर, पुलिस स्टेशन में भिखारी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और ये इंस्पेक्टर, तीनों यही है सर। यानी तीनों मैं ही? अरे मुझे लगता है तुम शाहरुख खान की कोई ट्रिपल रोल स्टोरी सुना रहे हो। न्यायालय एक रंगशाला बन गया है सर। इस आदमी को मेकअप करने वाला एक, इसे रिहर्सल करवाने वाला एक, इसे नाटक करवाने वाला एक, जो भेष चाहिए वो भेष बदलने वाला है ये। अगर आप चाहें तो आपका भी भेष बदलकर लोगों को बेवकूफ बना सकता है ये। मैं इस पर नहीं, हाइपनाइज करने वाला मैं पीसी सरकार या बीवी पट्टार भाई राम नहीं हूँ, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ सर। 3 साल करीम नगर में एसआई का काम करके ट्रांसफर करके शहर में आया हूँ। मेरा नाम पी प्रभाकर है, दिस इज माई आइडेंटिटी कार्ड। अपने स्टेशन में 2 कैदियों का खून करके अब ये पागलों की एक्टिंग कर रहा है। सीताराम को गोली मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। कस्टडी में लेकर रिमांड पर भेज दो।
सीताराम राजू आतंकवादियों का सरगना है, इस अखबार की सुर्खियों में छापो। मैं कभी नहीं छापूंगी। नहीं छापोगी तो तेरी जान ही नहीं, तेरे पति की जान भी चली जाएगी। बीना सेठ, उसे खत्म कर दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं जरूर छाप दूंगी। जेल से फरार होकर मिनिस्टर को तुमने मार दिया, अब हम तीनों को भी मार दोगे। इसलिए मैंने सोचा कि फेस टू फेस तुमसे कर लूं, इसलिए मैं आया हूं। गॉड ब्लेस यू। Yeah.
आप यहाँ आजीवन सुरक्षित हैं। ये मेरे पति थे। सुहागन होते हुए भी अपने हाथों में विधवा क्यों बनी जानते हैं आप? इनकी मृत्यु के बाद मुझे मंत्री पद मिलेगा इसलिए नहीं, बल्कि ये मेरे बाप का हत्यारा है इसलिए। इनकी जगह मेरे पिता को एमएलए का टिकट मिल गया। इसी ईर्ष्या से मेरे पिता को मार डाला, इसीलिए मैंने इसकी हत्या करवा दी। अमेरिका के लॉकर में मेरे लाखों डॉलर हैं, यही झूठ बोलकर मैंने उससे शादी की। अपने वादे के अनुसार मैंने आपके बेटे के नाम 10 लाख जमा कर दिया। ये एग्रीमेंट आपने पैसे के लिए नहीं किया मैं जानती हूँ, लेकिन आपके दोनों शिकार बीड़ा सेठ और चीता शहर से भाग रहे हैं। अरे तुमको भागना है तो भागो साहब, मुझे क्यों साथ भगा के ले जा रहे हो? गाड़ी रोके सर, मैं उतर जाता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एयरपोर्ट तक साथ निभा। इस बीच में सीताराम राजू ने हमारी गाड़ी पे अटैक करके बम फेंक दिया, तो तुम्हारे साथ मैं भी। अगर वो बम फेंकते हैं तो वो सिर्फ इन दोनों पर ही गिरे और दोनों ही मरे। मुझे बचा लो भगवान मेरे। बॉम्ब के साथ कोई लेटा हुआ है, मुझे तो शक है सीताराम राजू का ही कैंडिडेट है। अब तो मुझे जाने दीजिए, अब जान बचा के भागो। Yeah.